व्हाट्सअप गाइज आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और गाइज आज हमारे पास है मॉस्किटो रैकेट, मॉस्किटो बैट या फिर मॉस्किटो किलर या बैडमिंटन जो भी कुछ बोलते हैं। इसका जो यूज़ होता है मच्छरों को मारने के लिए किया जाता है, और जो मच्छर बड़ी आसानी से चटक पटक के साथ जो पटाखे की तरह पटक जाते हैं वो मर जाते हैं। बहुत कम चांस होता है कि इसमें मच्छर जो बच जाए। बट गाइज जो घर में हम रिफिल वगैरह यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि जो मच्छर जो कई बार जो बेहोश होकर उठ के चल देते हैं, बट इसमें जो चांस ना के बराबर होता है क्योंकि इसके अंदर होता है हाई वोल्टेज। तो गाइज आपने सोचा कितना हाई वोल्टेज इसके अंदर होता है? तो वही सब इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं। हमारे पास मल्टीमीटर और देखें कितना हाई वोल्टेज इसके अंदर से निकलने वाला है। तो कुल मिला के वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली। तो आपने क्या करना, आपने कर देना वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर कर देना दोस्तों साथ, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब। गाइस जैकेट में कितना वोल्टेज होता है उसको चेक करने से पहले देख लेते हैं हमारे घरों में जो सप्लाई होती है उसमें कितना वोल्टेज होता है, कितने वोल्ट का करंट होता है। राइट, सो गाइस हमारे घरों में जो सप्लाई होती है उसमें देख सकते हैं कितना वोल्टेज होता है, जो होता है 220 से लेकर 240 तक, जो कि फ्लक्चुएट करता रहता है 240 तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कितना जो वोल्टेज आ रहा है, जो कि होता है अल्टरनेट करंट यानी एसी करंट होता है। सो गाइस अब चेक करते हैं इस रैकेट में जो कितनी वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज जो कितना होता है जिससे जो मच्छर मर जाते हैं। गाइस एक टर्मिनल को लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, अंदर बीच वाला जो नेट है उसमें लगाना है। थोड़ा ध्यान रखना कि ऊपर वाले में टच ना हो जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसको थोड़ा सा फंसाना पड़ेगा। ऑलराइट, ये फंस चुका है। अब इस टर्मिनल को एक को यहाँ फंसा देंगे इस तरह से। सो जैसे ही मैं यहाँ पर बटन दबाऊंगा तो मल्टीमीटर में जो वैल्यू शो होगी आउटपुट वोल्टेज जो कितना है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो आउटपुट वोल्टेज है कितना दिखा रहा है, यहाँ पर लगभग 1000 वोल्ट दिखा रहा है, डीसी वोल्ट 1000 डीसी वोल्ट है। सो गाइस यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, बट क्या यहाँ पर जो करंट है करंट की वैल्यू कम है। ऐसे में जो अगर हम इसको टच भी करते तो हमें हल्का सा माइनस एक जैसे ये चीटी काट लेती है, हल्का झटका टाइप का लगता है मामूली सा, बट जो मच्छर ऐसे में जो मर जाता है क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है उसकी करंट की। तो इसलिए जो मच्छर इसमें जैसे ही नेट के कॉन्टैक्ट में आता है और उससे दोनों टर्मिनल से टकराता है वो चटक पटक करके मर जाता है। तो फिर से एक बार चेक करके देख लेते हैं कितनी वैल्यू यहाँ पर दिखाएगा। सो गाइस अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू दिखा रहा है 1000 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पर, तो जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसमें अल्टरनेट करंट होता है उसकी वैल्यू जो 220 से 240 के समथिंग होती है, बट उसमें जो करंट की वैल्यू है ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होती है। बट यहाँ पर जो रैकेट है रैकेट में जो वोल्ट की वैल्यू जो बहुत ज़्यादा है यानी डीसी वोल्ट जो है बहुत ज़्यादा है, बट उसमें जो करंट है करंट की वैल्यू कम है, बट मच्छर के लिए काफ़ी है मच्छरों को मारने के लिए। तो ऐसे में गाइस आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हुई। फर्स्ट टाइम हो सकता है आपने देखा हो कि एक रैकेट के अंदर जो कितना आउटपुट जो वोल्टेज आता है डीसी वोल्ट होता है जिससे जो मच्छर मर जाते हैं। अब वीडियो आपको अगर आई हो पसंद तो आपने क्या करना, आपने कर देना वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर कर देना दोस्तों साथ, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब।